शासन के द्वारा जिले में लगाए गए 2 दिवसीय आंशिक कर्फ्यू का महानगर में आंशिक असर देखने को मिला, जिसके संबंध में एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा कि शासन के निर्देश पर जनपद में 2 दिवसीय आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें अति आवश्यक दवा की दुकान, किराना की दुकान, फल सब्जी की दुकान के अलावा सभी दुकानों को बंद किया जा रहा है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी घर के पास से ही कर ले, अन्यथा बिना वजह बाहर निकलने पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, देखिए जो कोरोना महामारी से निपटने के लिए शासन के द्वारा तमाम नीतियां अपनाए जा रहा है, उसी के चलते 2 दिन अतिरिक्त आंशिक कर्फ्यू की ऐलान किया गया है, जिसमें अति आवश्यक दवाई की दुकान, किराने की दुकान, फल सब्जी की दुकान के अलावा बाकी सब बंद किया जा रहा है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी किया जा रहा है। मेन मकसद ये है कि कोरोना का संक्रमण का जो चेन तोड़ने का मकसद है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, ज़रूरतमंद लोग ही बाहर निकले जिनकी मेडिकल की आवश्यकता है, खान पान की खरीदारी है, इसके अलावा बाकी अपने घरों में रहें। संक्रमण की कड़ी को तोड़ना बहुत अति आवश्यक है और जल्द से जल्द इस महामारी से बाहर निकलने के लिए, अपना नॉर्मल जिंदगी पटरी पर लौटाने के लिए चीज़ें आवश्यक हैं। देखिए कोई अभी फ़िलहाल इस वक्त कोई परमिशन कार्ड वगैरह इशू करने का अभी किसी के पास नहीं है। अभी जो अति आवश्यक सामान लेने के लिए कोई भी अपने घर से जो निकल रहा है उसको वेरीफाई किया जा रहा है, अगर दवा है दवा का पर्ची लेके जा रहा है, बच्चे के दूध लेना है दूध लेने के लिए जा रहा है तो बगल के ही दुकान में जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल गुलरिया का रहने वाला जाके नौसड़ में तो दूध नहीं खरीदेगा, आसपास ही खरीदेगा। ये सब जांच करके अगर उसका जेन्यून है वो जाने दिया जा रहा है, अगर जेन्यून नहीं है फालतू में घूम रहा है तो उसको पकड़ के बंद किया जा रहा है।